हेलो डियर एक्वेरियस, एक्वेरियस यानी कुंभ राशि, मैं सुरेश क्वार्टर प्लस हिंदी टैरो से। तो आज हम एक्वेरियस यानी कुंभ राशि की जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन मून साइन या नाम राशि जिसे चाहे देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर डिटेल्स दी गई है, वहाँ जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कन्फ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सअप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। तो ये रीडिंग जो है 1 से लेकर 7 अगस्त तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग होगी। तो इसमें सबसे पहले एक्वेरियस हम देखेंगे कि आपके पार्टनर की आपके प्रति करंट फीलिंग्स क्या हैं, वो क्या महसूस करते हैं और वो फिर क्या चाहते हैं। फिर देखेंगे कि आप क्या महसूस करते हैं, आप क्या चाहते हैं, आउटकम क्या रहेगा और लास्ट में गाइडेंस देखेंगे। तो एक्वेरियस के पर्सन की एक्वेरियस के प्रति करंट फीलिंग्स क्या हैं राइट नाउ। सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स, द सन एंड द डेविल। तो एक्वेरियस आप जो है बॉटम ऑफ द डेक बता रहा है, टू ऑफ स्वॉर्ड्स, तो आप क्रॉस मार्क पर हैं। आप ना तो दिल की सुन पा रहे हैं ना तो दिमाग की सुन पा रहे हैं। आपको लग रहा है कि हो जाएगा बाद में देखा जाएगा, अभी आप कुछ सोचना ही नहीं चाह रहे हैं, या फिर आपका दिल और दिमाग ब्लॉक हो चुका है। मतलब ये नहीं कि समझने के मूड, समझना नहीं चाहते हैं या समझ नहीं पा रहे हैं, इतने आप एंजाइटी और स्ट्रेस में हैं। तो रुक कर ठहर कर सोच विचार करके महसूस हो रहा है, रुक कर ठहर कर सोच विचार करके अगर 2 कदम पीछे हटते हुए इस रिश्ते के बारे में सोचा जाता है या फिर किसी की मदद ली जाती है कि इस रिश्ते में जो भी नेगेटिविटी है, अनकंट्रोल्ड कंट्रोल है, तो उन चीजों को जो इस रिश्ते में पनौती बाधाएं दिक्कतें दे रहे हैं, ना तो रिश्ता आगे बढ़ रहा है ना तो रिश्ता खत्म हो रहा है, तो इसमें कहीं ना कहीं कोर्ट कचहरी के जो चक्कर लग रहे हैं या फिर कोर्ट कचहरी में जाने वाले हैं, तो उन आपको लग रहा है कि किस तरह से उन चीजों से छुटकारा मिले। तो आप महसूस कर रहे हैं कि या तो जैसे तैसे करके एक दूसरे से बातें करके माफी मांग कर, माफी माफी देकर, या तो जैसे तैसे करके इस रिश्ते को इधर उधर यानी कि नए सिरे से फिर से आगे बढ़ाया जाए। अपने प्रैक्टिकलिटी को, अपने विलिंग पावर को बढ़ाते हुए इस रिश्ते को बचाने के लिए नए सिरे से इस रिश्ते को शुरू किया जाए और ऐसी जगह पर जाया जाए जहां पर पीस सकून और शांति मिले, आपकी भावनाओं को समझ सके और फिर से जब लगे कि आप रिलैक्स हो गए हैं, शांत हो गए हैं, उन चीजों को छोड़ते हुए जो इस रिश्ते में बाधाएं दे रही थी, रुकावटें दिक्कतें दे रही थी, चाहे वो हिडन लव भी क्यों ना हो, क्योंकि ये जो कार्ड है ये हिडन लव को भी दर्शाता है कि आप हालांकि पहले से ही दूसरे रिश्ते में हो सकते हैं आप या आपके पार्टनर, लेकिन फिर भी आप नए रिश्ते में बने हुए हैं। मतलब दोनों के बीच में इतना गहरा प्यार है कि जानते हुए भी आप उस रिश्ते से नहीं निकलना चाहते हैं। ये जो हिडन लव यानी कि समाज से छिपाया हुआ रिश्ता, यानी कि आप दोनों भले ही इस रिश्ते के बारे में नॉन हैं, ये पता होते हुए भी कि वो ऑलरेडी आप या आपके पर्सन रिश्ते में हैं, फिर भी आप एक दूसरे से प्यार और मोहब्बत करते हैं। भले ही शादी हो या ना हो, लेकिन फिर भी आप इस रिश्ते को जीना चाहते हैं, आगे बढ़ाना चाहते हैं। इसलिए आपको महसूस हो रहा है कि जो इस रिश्ते में परेशानी और दुविधाएं आ रही है, तो अगर जगह को छोड़ देते हैं या दूसरे स्टेट में चले जाते हैं, ऐसी जगह पर जाते हैं जहाँ पीस सकून और शांति मिले, आपकी भावनाओं को समझा जा सके, आपको दूर ना करें और उन एडिक्शन को जो लस्ट है, चाहे वो गैम्बलिंग, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, नेगेटिव लोगों में बैठना, नेगेटिव सोचना, एनवायरमेंट को नेगेटिव करना, इस तरह की सोच को छोड़ते हुए, इस तरह की लस्ट को छोड़ते हुए अगर एक दूसरे से बातें कर ली जाती हैं, या तो जैसे तैसे करके उस रिश्ते को आगे बढ़ाया जाता है या फिर नहीं किसी भी तरह से आगे बढ़ रहा है, तो एलिमनी देकर या कॉम्प्रोमाइज करके जैसे भी करके इस रिश्ते से बाहर निकलने के बारे में आप सोच रहे हैं। आपको लग रहा है कि इस रिश्ते से बाहर निकल जाते हैं या किसी भी तरह से बात बन जाती है,
इस रिश्ते से बाहर नहीं निकला जाता, ये कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं कि आगे कोई भी परेशानी दुख तकलीफ नहीं रहेगा, तो फिर से धीरे धीरे करके बच्चे की एक इनोसेंट बच्चे की तरह, जैसे बच्चा इनोसेंट होता है, कोई लॉयल, कोई छल कपट, कोई हेरा फेरी धोखाधड़ी नहीं होता, उसी भावना से यदि लॉयल्टी के साथ आप खुद हैप्पी रहते हैं और सामने वाले को हैप्पी रखने की कोशिश करते हैं, तो फिर से धीरे धीरे करके जो रिश्ते में बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें थी, या फिर रिश्ता आगे नहीं बढ़ पा रहा था, तो फिर से इस रिश्ते में खुशियां वापस आ सकती हैं, रिश्ता अलायंस हो सकता है, कमिटमेंट वगैरह दी जा सकती है, रिश्ता स्टेबल और खुशहाल हो सकता है। तो इस तरह का आप महसूस कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि जैसे तैसे करके इस रिश्ते में इस अनकंट्रोल्ड कंट्रोल से बाहर आते हुए अगर एक दूसरे से बातें की जाती हैं तो रिश्ता सही जा सकता है, या फिर नए रिश्ते की तरफ नहीं रिश्ता चल पा रहा है, तो इस रिश्ते से को खत्म करके नए सिरे से एक नई बिगनिंग, नई शुरुआत लाइफ में की जा सकती है। तो देख लेते हैं एक्वेरियस आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। द हायरोफंट, द टावर एंड सेवन ऑफ कप्स। तो एक्वेरियस जो आपके पर्सन हैं वो इस रिश्ते को लेकर बहुत दुखी हैं। उनको लग रहा है कि रिश्ता इतने अच्छे से जा रहा था, सारी बातें ठीक हो रही थी, शादी के दहलीज पर रिश्ता खड़ा हुआ था, बहुत जल्दी उनकी शादी होने वाली थी, लेकिन अचानक से कुछ ऐसा हुआ कि सब कुछ धड़ाम से खत्म हो गया, सब अचानक से रिश्ता बिखर गया। हो सकता है कि जो सेवन चक्रास हैं वो बैलेंस ना हो, इम्बैलेंस हो गए हैं, ब्लॉक हो चुके हैं या जो भी है, तो इस रिश्ते को लेकर आप काफी कंफ्यूज्ड हैं, परेशानी और दुविधा में हैं। तो वो आप चाहते हैं कि रुक कर ठहर कर सोच विचार करके उन्हें इसमें इस रिश्ते के बारे में सोचना चाहिए। अगर पेशेंटली चीजों को हैंडल करेंगे, समय और वक्त देंगे, तो धीरे धीरे करके जो रिश्ता खत्म हो चुका है या फिर डाइवोर्स होने वाला है या हो चुका है, तो धीरे धीरे करके फिर से अगर एक दूसरे से बातें की जाती हैं, तो डाइवोर्स होने से पहले ही पेशेंटली चीज़ों को हैंडल किया जाता है और इसमें किसी सुपीरियर, किसी एल्डर, किसी गुरु की मदद ली जाती है जो इस रिश्ते में नॉन है, तो ये रिश्ता आगे बढ़ सकता है, क्योंकि दोनों, क्योंकि वो आपसे जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, इस रिश्ते को आत्मिक मानते हैं, सोलमेट मानते हैं, वो आगे शादी करने के बारे में भी सोच रहे हैं, तो इसलिए वो उनकी मदद लेते हुए इस रिश्ते में चाहते हैं कि वो आगे बढ़े और इस रिश्ते को सोलमेट बनाए। और क्योंकि कहीं ना कहीं जो इस रिश्ते में बाधाएं हैं, ये एक अदर कास्ट रिलेशन भी हो सकता है, या तो कास्ट अलग है या तो फिर रिलीजियन अलग है जो पेरेंट्स अलाउ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जो भी आपके पेरेंट्स या सामने वाले के पेरेंट्स हैं वो एक रिलीजियस परिवार से हैं, तो वो किसी भी तरह से वो दूसरी कास्ट में या अदर उसमें एक्सेप्ट नहीं करते, तो इस वजह से भी रिश्ता बनते बनते शायद एकदम से खत्म होने के स्टेज पर आ गया, या शादी शादी हो भी चुकी थी तो जो है डाइवोर्स की स्टेज पर आ गया। लेकिन अगर आप पेशेंटली चीज़ों को हैंडल करेंगे, किसी सुपीरियर, किसी एल्डर गुरु की मदद लेकर सोच विचार करके आगे बढ़ेंगे, तो धीरे धीरे करके या तो रिश्ता आगे बढ़ सकता है, या फिर नए सिरे से अगर आप की लाइफ में कोई नया पर्सन है, नई अपॉर्चुनिटी है, तो आप नए पर्सन की तरफ, नई अपॉर्चुनिटी की तरफ भी वो जा सकते हैं, ऐसा आप उनसे मैस उन उनसे चाहते हैं कि वो या तो इस रिश्ते में किसी की मदद लेकर वापस आए, और वो नहीं चाहते अगर उनके लाइफ में कोई है दूसरा पर्सन तो वो उधर भी मूव ऑन कर सकते हैं। देख लेते हैं एक्वेरियस आप अपने पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हैं। एक्वेरियस अपने पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हैं। फोर ऑफ वॉन्ड्स, टू ऑफ स्वॉर्ड्स एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स। अचानक से बॉटम ऑफ डेक दिखा तो एस ऑफ पेंटिकल्स। तो एक्वेरियस आप महसूस कर रहे हैं कि जो
आपको जो क्रॉस मार्क पर है ना, तो आप इधर हो पा रहे हैं ना तो उधर हो पा रहे हैं, तो आप इस क्रॉस मार्क से हटते हुए आंखों से पट्टियां खोलते हुए सोच विचार करके आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं। आपको लगता है कि पुरानी बातों को बुलाते हुए, जो भी इस रिश्ते में गिले शिकवे प्रॉब्लम रही है, तो उन चीजों को बुलाते हुए नए सिरे से एक फ्रेंड की तरह, एक दोस्त की तरह, एक नए सवेरे के साथ, एक नई ताजगी के साथ, एक नई सोच के साथ अगर गेट टुगेदर करते हैं, पिकनिक पार्टी पर जाते हैं, एक दूसरे के साथ खाना खाते हैं, तो धीरे धीरे करके एक फ्रेंड की तरह, एक दोस्त की तरह बातें करते हैं, पुरानी बातों का जिक्र ही नहीं करते, तो धीरे धीरे करके, और इसमें कमिटमेंट वगैरह देने के लिए रेडी तैयार हो जाते हैं कि वो एक दूसरे को कमिटमेंट वगैरह देने के लिए तैयार हैं, इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए तैयार हैं, तो धीरे धीरे करके फिर से इस रिश्ते में सहनाइयाँ बढ़ सकती हैं, फिर से खुशियाँ हो सकती हैं। और अगर अब तक शादी नहीं हुई है तो इसमें शादी भी हो सकती है, रिश्ता स्टेबल और कामयाब हो सकता है, और यूनिवर्स ये अच्छे आइडियाज, अच्छी अपॉर्चुनिटी दे रही हैं। लक उनके साथ है, भाग्य उनके साथ है, तो उसको एक्सेप्ट करते हुए आगे बढ़ते हैं, तो ये रिश्ता स्टेबल हो सकता है। घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम, सारी चीजें इस रिश्ते से मिल सकती हैं और रिश्तों में सुधार हो सकता है। तो नए सिरे से आप महसूस कर रहे हैं कि इस रिश्ते को फ्रूटफुल और कामयाब बनाने के लिए एक नई सोच के साथ पुराने बातों को बुलाते हुए एक फ्रेंड और एक दोस्त की तरह आगे बढ़ना चाहिए। एनर्जी इमेच्योर हो सकती है, एज डिफरेंस हो सकता है, लेकिन अगर धीरे धीरे करके यंग एनर्जी के साथ मिलकर चलेंगे तो सही समय आने पर ये एनर्जी मैच्योर होगी और रिश्तों में सुधार होगा। एक बिगिनिंग, एक शुरुआत होगी, कमिटमेंट वगैरह दिया जा सकता है और रिश्ता आगे बढ़ सकता है, ऐसा आपको फील हो रहा है। देखते हैं आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। एक्वेरियस, नाइट ऑफ कप्स, एट ऑफ वॉन्ड्स, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। तो एक्वेरियस, आप चाहते हैं कि या तो आप अपने पर्सन की तरफ लव ऑफर लेकर जाएं, गुड न्यूज गुड मैसेज लेकर जाएं, या फिर वो आपकी तरफ गुड न्यूज गुड मैसेज लेकर आए, ताकि जो इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी जो नहीं बन पा रहा है, वो इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी बने, वो बैलेंस, वो स्टेबिलिटी बने। दोनों तरफ से अगर प्यार और प्रेम करते हैं, एक दूसरे को इक्वल मानते हैं दोनों परिवार, तो इस रिश्ते में बैलेंस आ सकता है, स्टेबिलिटी और खुशहाली आ सकती है। और आप चाहते हैं कि या तो टूर ट्रैवल करके आपके पर्सन आपके पास आए, या फिर आप उनके पास जाए। फास्टली आप इस रिश्ते को अंजाम देना चाहते हैं। आपको लगता है कि अगर आप जितना जल्दी हो सके, जितना जल्दी उनकी तरफ गुड न्यूज़ गुड मैसेज लेकर जाएंगे, उतना ही इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी आएगी, बैलेंस आएगा, स्टेबिलिटी आएगी, रिश्तों में सुधार होगा। आप कोई भी मतलब राज, कोई भी मिस्ट्री, कोई भी रहस्य नहीं रखना चाहते। आप चाहते हैं कि बिल्कुल क्लियर, साफ, स्पष्ट ये रिश्ता हो, और कोई भी कंफ्यूजन, कोई डाउट इस रिश्ते में ना रहे, और ये इस रिश्ते में बैलेंस और स्टेबिलिटी आए। तो देख लेते हैं इसका आउटकम क्या रहेगा। क्योंकि आपको यही लग रहा है कि अगर एक बिगनिंग हो जाती है, एक शुरुआत की जाती है और रिश्तों में क्लियरिटी लाई जाती है, तो धीरे धीरे करके समय के साथ, वक्त के साथ रिश्ता स्टेबल भी होगा और इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी भी आएगी। एक बिगनिंग, एक शुरुआत की ही जरूरत है। तो देख लेते हैं आउटकम। इसका आउटकम बता रहा है कि अभी इस रिश्ते में, क्योंकि काफी एडिक्शन रहा है, लस्ट रही है, बाधाएं और दिक्कतें रही हैं, तो जिस वजह से आप कंफ्यूज्ड हैं, मतलब प्यार है, प्रेम है, बहुत सारा प्यार है, सब कुछ है आपकी लाइफ में, प्यार, पैसा, प्रॉपर्टी, ऐशो आराम सब कुछ है, लेकिन फिर भी इस रिश्ते को लेकर दुखी हैं, परेशान हैं, कंफ्यूज्ड हैं, इसलिए आपको लग रहा है कि फिलहाल के लिए या तो आप उन चीजों को लेट गो करना चाहते हैं, चाहे वो घर के मेंबर हैं, कोई पड़ोसी, कोई रिश्तेदार हैं जो इस रिश्ते में बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रहे हैं, और चाहे वो जगह हो सकती है, प्रॉपर्टी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, जॉब, बिजनेस हो सकता है, उन चीजों को
छोड़ना चाहते हैं जो इस रिश्ते को आगे बढ़ने से रोक रही है, या फिर आपको लग रहा है कि फिलहाल के लिए इस रिश्ते से बाहर निकल जाना चाहिए कुछ समय के लिए। आपको लगता है कि अगर आप अकेले रहेंगे, खुद से बातें करेंगे, हीलिंग मेडिटेशन करेंगे, योगा एक्सरसाइज करेंगे, तो इस कंफ्यूजन, इस परेशानी से, जो भी इस रिश्ते में रुकावटें आ रही हैं, तो उनसे मुक्ति मिलेगी और एक दूसरे को समझेंगे, क्योंकि आपको वही पर्सन लाइफ में चाहिए जो दूर जा चुका है। तो स्टक एनर्जी से बाहर निकलना चाहते हैं, इस कंफ्यूजन, इस परेशानी, इस दुविधा से बाहर निकलना चाहते हैं, और जिसके बारे में ऑप्शन होते हुए भी आप दूसरे ऑप्शन को देखना ही नहीं चाहते। और आप इसका आउटकम ये भी बता रहा है कि एक दूसरे को अगर माफ़ कर देते हैं, माफ़ी मांग लेते हैं, और नए सिरे से योगा एक्सरसाइज करने के बाद, हीलिंग मेडिटेशन के बाद, इस कन्फ्यूज़न से बाहर आते हुए नए सिरे से इसमें एक बिगनिंग, एक शुरुआत करते हैं। रिस्क ना लेते हुए, इतना रिस्क लेते हैं कि एक बिगनिंग, एक शुरुआत करेंगे तो रिश्तों में सुधार होगा, रिश्ता आगे बढ़ेगा, कन्फ्यूज़न दूर होगी और फिर से एक अच्छी बिगनिंग, एक अच्छी शुरुआत हो सकती है। तो इस सोच के साथ अगर आगे बढ़ेंगे तो जो परेशानियां हैं, जो मुसीबतें हैं इस रिश्ते में, जो ओवर थिंकिंग है, या फिर जो रिश्ते को नेगेटिव बना रहे हैं, उन चीज़ों को ख़त्म करते हुए पेशेंटली चीज़ों को आगे बढ़ाया जा सकता है, एक बिगनिंग, एक शुरुआत की जा सकती है। तो इसका आउटकम यही बता रहा है कि या तो उस जगह को, उस सिचुएशन को छोड़ दीजिए जो इस रिश्ते में बाधाएं दे रहे हैं, या फिर आप कुछ दिनों के लिए इस रिश्ते से बाहर निकलिए, ताकि हीलिंग करेंगे, मेडिटेशन करेंगे तो रिश्तों की अहमियत का पता लगेगा और जो परेशानी, बाधाएं, दिक्कतें आ रही हैं, धीरे धीरे करके वो ख़त्म होंगी और नए सिरे से फिर से आप इस रिश्ते में वापस जा सके। जब आपका मन करेगा, जब आप नए सिरे से इस रिश्ते में फिर से आगे बढ़ पाएंगे, एक बिगनिंग, एक शुरुआत कर पाएंगे। तो देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस है। यूनिवर्स ही गाइड कीजिए प्लीज, क्या मैसेज या गाइडेंस हो सकती है। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड द वर्ल्ड। यूनिवर्स ही आपको मैसेज देना चाहते हैं, गाइडेंस देना चाहते हैं कि आप इस रिश्ते में एक बिगनिंग कीजिए, एक शुरुआत कीजिए, और जो रिश्ता क्रॉस मार्ग पर लटका हुआ है, जो अधर में लटका हुआ है, ना तो इधर हो रहा है ना तो उधर हो रहा है, तो उससे बाहर निकलिए और एक नया चैप्टर, नया अध्याय शुरू कीजिए, यानी कि नए सिरे से उन परेशानियों को बुलाते हुए, उन जख्मों को बुलाते हुए जो इस रिश्ते में एक दूसरे को मिले हैं, नए सिरे से एक फ्रेंड की तरह, एक दोस्त की तरह, एक बिगनिंग, एक शुरुआत कीजिए, ताकि ये इस रिश्ते में अब अबंडेंस आ सके। ये रिश्ता काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो सकता है, विक्टोरियस और सक्सेसफुल हो सकता है, अगर आप नए सिरे से एक बिगनिंग और एक शुरुआत करते हैं तो स्टेबल हो सकता है। घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम, सारी चीज़ें इस रिश्ते से मिल सकती हैं, और अच्छे से इस रिश्ते फेम मिलेगा, ख्याति मिलेगी, अलायंस होगा रिश्ता, लग्जरी मिलेगी, अबंडेंस मिलेगा, सारी चीज़ें इस रिश्ते से मिलेंगी, विक्टोरियस और सक्सेसफुल ये रिश्ता होगा। आपको एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत करने की ज़रूरत है, उन पुरानी बातों को बुलाते हुए नए सिरे से आगे बढ़िए, एक बिगनिंग, एक शुरुआत कीजिए। तो आज के लिए इतने ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो फिर जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, नमस्ते, थैंक यू सो मच।